हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह राजावत और आज हम देखने वाले हैं हमारे रियल नंबर्स चैप्टर का पार्ट थ्री। पार्ट थ्री के अंदर मेनली हम चार टॉपिक्स को कवर करेंगे। एक टॉपिक तो हमारा लास्ट लेक्चर का ही टॉपिक होगा जिसके अंदर हमने HCF और LCM पढ़ा था। HCF और LCM से रिलेटेड जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स बनती है वो सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद में हम लोग कुछ नंबर्स को पढ़ेंगे, जैसे कि कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ेंगे और लास्ट में हमारा इरेशनल नंबर्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने वाले हैं। इसके साथ ही एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अभी तक आप लोगों ने अगर इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिए, तभी जाके आप लोगों को ये लेक्चर आसानी से समझ में आएगा। हो सकता है कि आप लोगों ने स्कूल लेवल पे ये चीज़ पहले पढ़ रखी हो तो आप लोग इसको ही कंटिन्यू कर सकते हो, तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं। तो मेनली चार टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स पूछी जाती है, इसमें से मैंने पहले टाइप की वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे लिखी है और नेक्स्ट दो या तीन टाइप की जो वर्ड प्रॉब्लम और बचेंगी वो नेक्स्ट की स्लाइड्स में मैं आप लोगों को एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा और साथ में हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करते हुए चलेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले टाइप की वर्ड प्रॉब्लम क्या पूछी जाती है कि ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है हमें, जिस नंबर से अगर मैं एक्स वाई और जेड को डिवाइड करूं, जैसे कि मान लो एक्स है, इसको किसी नंबर से डिवाइड करना है, मान लिया मैंने वो ग्रेटेस्ट नंबर अल्फा है, वाई को अगर अल्फा से डिवाइड करूं और जेड को भी अल्फा से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना बचता है, पी क्यू एंड आर बचता है। तो हमारे को वो ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जिस नंबर से अगर मैं एक्स वाई और जेड को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना बचे, पी क्यू और आर बचे। तो मैंने मान लिया कि ग्रेटेस्ट नंबर अल्फा है, अल्फा से अगर एक्स को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर पी बचेगा, अल्फा से अगर वाई को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्यू बचेगा और अल्फा से जेड को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आर बचेगा। तो हमें वो अल्फा ही पता करना है। तो ऐसी सिचुएशन में जब कभी भी ऐसा सवाल पूछा जाए तो हमेशा क्या करना है, सबसे पहले तो उस गिवन नंबर में से रिमाइंडर को माइनस कर दो। एक्स में से इस पी को माइनस करेंगे, वाई में से क्यू को माइनस करेंगे और जेड में से आर को माइनस कर देंगे और माइनस करने के बाद में जो तीन नए नंबर्स बनेंगे उनका हमें क्या निकाल देना है, HCF निकाल देना है, क्योंकि हमारे को ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है और जो भी HCF आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड नंबर, जो भी हमें पता करना है, अल्फा हमने माना है वो हमारा निकल के आ जाएगा। एक क्वेश्चन को करके देखते हैं जो कि राजस्थान बोर्ड के अंदर 2013 में पूछा हुआ है। तो देखिए क्या पूछा है, फाइंड द हाइएस्ट पॉजिटिव इंटीजर, हमें सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करना है बाय विच, जिससे कि हम इन तीनों को डिवाइड करें। तो हमारे को 396 को डिवाइड करना है, 436 को डिवाइड करना है और 542 को डिवाइड करना है। इन तीनों को अगर मैं किसी नंबर से, मान लो कि अल्फा से अगर डिवाइड करूं तो जो रिमाइंडर बचेगा वो इस केस में तो बचेगा 5, इस केस में 11 और इस केस में 15 बचेगा। हमें वो हाईएस्ट नंबर अल्फा पता करना है। तो क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है, अब करने के लिए मैंने अभी अभी तरीका बताया कि जो रिक्वायर्ड नंबर होगा हमारा, जो नंबर हमें फाइंड करना है वो क्या होगा, इसमें से इसके रिमाइंडर को माइनस करेंगे, 390 HCF of 396 minus 5, 436 minus 11, 542 minus 15। यानी कि हमने रिमाइंडर्स को माइनस कर दिया और उसके बाद में जो HCF आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा, जो हाईएस्ट नंबर हो जाएगा। तो अब पहले बात तो माइनस कर लेते हैं, फिर उनका HCF निकालते हैं। तो HCF ऑफ यहाँ पे तो कितना हो गया है, 391 हो गया, यहाँ कितना हो गया है, माइनस करेंगे इसके अंदर 425 हो गया और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 में से 5 गया तो 7 बचा, 3 में से 1 गया तो 2 बचा और यहाँ पे 5 ऐसे कैसे आ जाए 527। तो इन तीनों का हमारे को HCF निकालना है। तो सबसे पहले तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं तीनों का। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 391, ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन किसका कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 425 और ऐसे ही कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 527 और इसके बाद में जो भी लोएस्ट वाली पावर्स होंगी उनको हम पिक कर लेंगे। तो देखिए करके देखते हैं इसको,
पहले एक एक करके तीनों का वो करते हैं। 391 के अंदर देखो किससे डिवाइड हो रहा है, आई थिंक 2 से नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, 4 से नहीं हो रहा, 5 से नहीं हो रहा, 6 से नहीं हो रहा, 7 से करके देखते हैं, 7 से भी नहीं होगा, 8, 11 से करके देखते हैं, देखा 11 से भी नहीं होगा, 13 से करके देखते हैं, 13 से भी नहीं होगा, 17 से करके देखते हैं, हाँ 17 से डिवाइड हो रहा है, तो 17 टू जा कितना होगा 34 हो गया, बचा कितना 5, फिर 1 नोट करेंगे तो फिर वह 51 कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा, 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो अब 23 से कितने टाइम डिवाइड होगा, 1 टाइम, तो हमने इसके फैक्टराइजेशन करके लिख दिया कितने 17 मल्टीप्लाई 23। ऐसे ही 425 के फैक्टराइजेशन वो कर लेंगे, तो 5 से डिवाइड हो रहा है कितने टाइम, 8 टाइम, और ये 2 बचा कितना 5 टाइम, अब फिर से 5 से डिवाइड हो रहा है 17 टाइम, फिर 17 से डिवाइड हो रहा है 1 टाइम, तो इसका फैक्टराइजेशन हो गया 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 17। ऐसे ही 527 के फैक्टराइजेशन कर लेंगे, तो ये किससे डिवाइड हो रहा है, देखो 7 से हो रहा है क्या, 7 से 49 बचेगा, फिर बचेगा 3, नहीं हो रहा, 11 से हो रहा है क्या, 11 फोर जा 44 बचेगा कितना, नहीं 11 से भी नहीं हो रहा, 13 से देखो 13 से भी नहीं हो रहा, आई थिंक 17 से ही होगा, 17 3 जा कितना होगा 51, फिर 1 बचा और 17 हो गया, 17 1 जा 17, फिर से 31 से ही होगा क्योंकि ये प्राइम नंबर होता है, तो इसके फैक्टराइजेशन क्या हो गए हैं 17 मल्टीप्लाई 31। आई होप ये फैक्टराइजेशन आप लोग आसानी से कर लोगे, ये मैंने लास्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ा दिया, लेकिन हमारा मेन टारगेट तो रिक्वायर्ड नंबर निकालना है, तो इन तीनों का एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा इन तीनों का, एचसीएफ ऑफ 391, 425, 527 ये हमें निकालना है, तो हमें क्या करना होता है, जो भी कॉमन है उन पेयर्स को पिक कर लो, तो ये वाला देखो केवल कॉमन आ रहा है इसके अंदर, तो हम बोल देंगे कि 17 इनका एचसीएफ होगा, तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है जो हमें चाहिए वो कितना निकल के आ जाएगा 17। आई होप आप लोगों को ये आसानी से समझ में आया होगा, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, हमारे को क्या करना है, वो सबसे हाईएस्ट नंबर पता करना है, जिस नंबर से अगर मैं 396, 436 और 542 को अगर डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना बचेगा 5, 11 और 15, तो सबसे पहले करना क्या है, उन तीनों नंबर्स में से उनके रिमाइंडर्स को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, और रिमाइंडर्स को सब्ट्रैक्ट करके जो एचसीएफ आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा, तो हमने पहले रिमाइंडर्स को सब्ट्रैक्ट किया तो ये बना, और इनका अब एचसीएफ निकालने के लिए हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, उसके बाद में हमने कॉमन वाला पेयर पिक कर लिया, और कॉमन जो पेयर आया वो 17 होगा, तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया 17 हो गया। आई होप ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। ऐसा ही एक सवाल देखो सीबीएसई बोर्ड 2017 में आया हुआ है, ये भी करके देखते हैं। तो हमारे को ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जो जिससे अगर हम इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करें, कौन कौन से नंबर्स हैं 445, 572 और 699, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 4, 5 और 6 बचेगा, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर हमारे को निकालना है वो कैसे निकलेगा, सबसे पहले रिमाइंडर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो आएगा एचसीएफ ऑफ 4, पहला रिमाइंडर 4 है, कोमा 572 माइनस 5 कोमा 699 माइनस 6, तो इनका जो भी एचसीएफ आएगा, तो हमारे पास इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, एचसीएफ ऑफ 4 माइनस करेंगे 441 बनेगा, फिर 5 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 567 बन गया, और इसमें से माइनस करेंगे तो 3693 बन गया, इनका जो भी एचसीएफ आएगा वही हमारा आंसर होने वाला है। तो सबसे पहले तो हम क्या करें, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 441 इसका, तो आप करके देखना डिवाइड करके, पहले 3 से डिवाइड होगा, फिर से 3 से डिवाइड होगा, फिर 7 से होगा, फिर 7 से होगा, यानी कि 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 7 पावर 2 इसका क्या आने वाला है, प्राइम फैक्टराइजेशन आने वाला है। ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 567 निकालेंगे, तो पहले बात तो देखो इन तीनों का सम कितना हो रहा है, 18 हो रहा है, तो 18 होने की वजह से क्या होगा, ये 3 से डिवाइड होगा, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे इसको, मैं यहाँ पे करके भी बता देता हूँ साथ के साथ, 3 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम होगा, फिर कितना बचा 2 बचा, तो फिर 8 टाइम डिवाइड होगा 24, फिर 2 से बचा 9, अब फिर से देखो 3 से डिवाइड हो रहा है कितना 6, 3, फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है
कितना 2 1, फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है 7, और फिर 7 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 तो 4 टाइम आया, तो 3 पावर 4 मल्टीप्लाई 7, हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। ऐसे ही 6 9 3 का भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 3 1 आएगा, फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है, देखो 7 टाइम हुआ ये, और ये कितने टाइम हुआ, 2 बचा तो 7 टाइम, अब 7 से हो रहा है 11 और 11 से हो रहा है 1 टाइम, तो प्राइम फैक्टराइजेशन किसका, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 693 वो कितना आ जाएगा, 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हमें इन तीनों का HCF निकालना, वही हमारा रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, HCF ऑफ 441.567.693693। इनका HCF कैसे निकाले, अब देखो कॉमन वाली पावर्स को उठाना है हमारे को, और अगर एक से मतलब पावर बड़ी है तो हमें छोटी वाली पावर्स को पिक करना है। यहाँ पे 3 पावर 2 है, यहाँ पे 3 पावर 4 है, यहाँ पे 3 पावर 2 है, तो स्मॉलेस्ट वाली पावर्स को पिक कर लिया। फिर यहाँ पे एक 7 पावर 2 आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है, तो 7 पावर 1 वाली स्मॉलेस्ट पावर है, यहाँ 11 आ रहा है, इधर वो कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 टाइम करेंगे, 9 मल्टीप्लाई 7 विच इज इक्वल टू 63। तो हम बोल देंगे कि 63 हमारा वो सबसे हाईएस्ट नंबर होगा, जिस नंबर से अगर मैं इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 4 5 और 6 बचेगा। आई होप ये दोनों एग्जांपल आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, इनको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग नेक्स्ट टाइप के वर्ड प्रॉब्लम को देखेंगे। अब हम सेकेंड टाइप की वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं कि किस टाइप से पूछी जाती है। इस बार क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा कि लीस्ट नंबर बताना हमारे को, यानी कि सबसे छोटा नंबर बताना है, और जब भी कभी सबसे छोटे नंबर की बात हो तो दिमाग में LCM आना चाहिए। विच वेन डिवाइडेड बाय एक्स वाई एंड जेड लीव्स द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। अब क्या कहना चाह रहा है समझो भाई, हमारे को कोई ऐसा नंबर बताना है, जैसे मान लिया अल्फा, जिसको एक्स से डिवाइड करूं, ऐसे ही उस अल्फा को अगर वाई से डिवाइड करूं, और उस अल्फा को अगर मैं जेड से डिवाइड करूं, तो जो रिमाइंडर आएगा ना वो तीनों केस में सेम ही आएगा। तो जैसे मान लो इधर भी रिमाइंडर क्या आ रहा है, इधर भी रिमाइंडर क्या आ रहा है, और इधर भी रिमाइंडर क्या आ रहा है, तो हमारे को ये जो अल्फा है ये पता करना है, और ये सबसे छोटा नंबर होना चाहिए। इससे बड़े बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में ही पूछा है कि वो सबसे छोटा नंबर बताओ जिसको एक्स वाई और जेड से डिवाइड करने पर तीनों केस में रिमाइंडर क्या है, सेम है। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब निकालेंगे कैसे, निकालने का क्या तरीका, देखो ये चीज़ मैंने यहाँ भी लिख दी है कि अगर अल्फा को एक्स से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर क्या आएगा, अल्फा को वाई से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर क्या आएगा, अल्फा को जेड से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर क्या आएगा, तो वो सबसे छोटा अल्फा ही हमें पता करना है। करेंगे क्या, देखो सबसे पहले हमारे को इन तीनों नंबर्स का एक्स वाई और जेड का एलसीएम निकाल लेना है, और एलसीएम निकालने के बाद में इनके अंदर जो भी कॉमन रिमाइंडर है के उसको ऐड कर देना है, तो वो जो रिजल्ट आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा। एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, देखो कैसे होगा। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द लीस्ट नंबर, हमारे को सबसे छोटा नंबर बताना है, विच वेन डिवाइडेड बाय 6 15 और 18, यानी कि हमें कुछ ऐसा अल्फा नंबर बताना है जिसको 6 से डिवाइड करे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 5, हर केस में 5 रिमाइंडर बचेगा, तो इधर भी रिमाइंडर 5 आएगा, और अगर मैं अल्फा को किससे डिवाइड करूं, 15 से डिवाइड करूं तो भी रिमाइंडर 5 बचना चाहिए, और अगर मैं अल्फा को 18 से डिवाइड करूं तो भी रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 5 बचना चाहिए, तो हमारे को इस अल्फा की वैल्यू पता करनी है। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैंने यहाँ पे बताया है कि हमारे को सबसे पहले क्या करना है, इन तीनों नंबर्स का एक्स वाई जेड यानी 6 15 और 18 इनका एलसीएम निकाल लेना है, और एलसीएम निकालने के बाद में इनके अंदर हमें क्या कर लेना, जो भी रिमाइंडर आ रहा है कॉमन सबका उसको ऐड कर लेंगे, तो हमारे को क्या हो जाएगा, पूरा रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा। तो ये मैंने लिख दिया है, मैं इसको मिटा नहीं रहा हूँ, आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, पेपर में नहीं लिखना है, ये समझाने के लिए है। तो हमारे को रिक्वायर्ड नंबर निकालना है, तो रिक्वायर्ड नंबर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो निकालेंगे एलसीएम ऑफ किसका, 6 15 एंड 18, और इसके बाद में इसमें क्या प्लस कर देंगे, 5 प्लस कर देंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर होगा। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है,
अब इसका एलसीएम पहले निकाल लेते हैं हम लोग, तो मैं एक साथ वाला मेथड यूज कर लेता हूँ एलसीएम निकालने के लिए। तीनों के अंदर देखो, पहले इसमें दो से डिवाइड हो रहा है थ्री टाइम, इसमें तो नहीं होता, इसमें नाइन टाइम हो रहा है। अब थ्री से डिवाइड हो रहा है वन टाइम, इसमें फाइव टाइम, इसमें थ्री टाइम, फिर थ्री से डिवाइड हो रहा है ये तो वन, ऐसे कैसे आएगा इसमें वन टाइम। यहाँ फाइव से डिवाइड हो रहा है कितने टाइम, वन टाइम, तो ये तो ऐसे कैसे आएगा, ये वन टाइम हो गया डिवाइड फाइव से, ये वन ऐसे कैसे आ गया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही हमारा एलसीएम होगा। तो एलसीएम ऑफ 6, 15, 18 कितना आ जाएगा, 2, 3 जा 6, 6, 3 जा 18, 18, 5 जा 9। ये हमारा क्या हो गया, इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया, 90 आ गया। तो रिक्वायर्ड नंबर हमारे को निकालना है, वो कितना होगा, इन तीनों का एलसीएम कितना आ चुका है, साइड में हमने निकाल लिया है, वो 90 आ चुका है प्लस 5, तो यानी 95। अगर आप 95 को 6 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 5 बचेगा, अगर 15 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 5 बचेगा, 18 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 5 बचेगा। यानी कि हम बोल सकते हैं ये वो सबसे छोटा नंबर है जिसको हम लोग अगर 6, 15 और 18 से डिवाइड करें तो हर बार रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा। आई होप ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसे आप नोट कर लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग ओ टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स को देखते हैं। अब हम दो टाइप की और वर्ड प्रॉब्लम है उनको भी देखते हैं। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन के अंदर ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम लिखा हुआ मिले तो समझ जाओ हमारे को क्या निकालना है, एचसीएफ फाइंड करना। और अगर किसी क्वेश्चन के अंदर क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन इनटू ग्रुप्स वगैरह टाइप का भी लिखा हुआ मिले तो भी हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो कई बार क्या करता है वो कुछ ऐसे वर्ड्स लिख देता है जिससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि इसमें एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। तो मैंने पहले ही बता दिया, ग्रेटेस्ट मैक्सिमम चीज के बारे में पूछे तो एचसीएफ निकालना है, कहीं पे क्लासिफिकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन इनटू ग्रुप्स लिखा हुआ मिल जाए तो भी हमेशा क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। और अगर किसी क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट या मिनिमम चीज के बारे में पूछे तो एलसीएम निकालना है। और ये बहुत दो इंपॉर्टेंट वर्ड है ध्यान रखना, अगर किसी क्वेश्चन में टुगेदर और साइमल्टेनियस लिखा हुआ दिख जाए, यानी कि एक साथ वाली कंडीशन कहीं पे दिखे तो भी हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इसके ऊपर दो एग्जांपल्स करके देखते हैं जिससे कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला सवाल क्या पूछा है, 6 bells commence tolling together। अब देखो यहाँ पे टुगेदर लिखा हुआ दिख गया, और टुगेदर दिखते ही हमें क्या दिमाग में आना चाहिए, एलसीएम दिमाग में आना चाहिए। तो हमारे को एलसीएम निकालना है इनडायरेक्टली, ये तो पता चल गया। लेकिन पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं। टोल का मतलब है कोई जो बेल्स है वो बजना शुरू होती है, 6 बेल्स है, कितना इंटरवल पे बजना शुरू होती है, पहली वाली बेल 2 सेकंड के इंटरवल पे बजती है, जैसे कि 2 सेकंड में फिर बजेगी, फिर 2 सेकंड होगी, फिर बजेगी, ऐसे सेकंड वाली बेल 4 सेकंड बाद में बजेगी, फिर 6 सेकंड, एक अगली वाली 8 सेकंड बाद में, फिर एक अगली वाली बेल जो है 10 सेकंड बाद में बजेगी, और उसके बाद वाली जो बेल होगी सबसे लास्ट वाली जो 6th बेल होगी वो 12 सेकंड बाद में रिपीट होगी। तो हमारे को क्या करना है, ये बताना है कि 30 मिनट के अंदर कितनी बार ये बेल्स एक साथ बजेंगी। ठीक है, फिर से देखो टुगेदर आ गया, हमें स्टार्टिंग वाली कंडीशन को नहीं लेना है, उसको एक्सक्लूड करना है। जैसे स्टार्टिंग में पहले बार एक साथ बजी होगी, वो 2 सेकंड में बजने वाली बेल, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड और 12 सेकंड में बजने वाली बेल स्टार्टिंग में जब पहली बार बजाया होगा तो 6 की 6 एक साथ बजी होगी। अब दूसरी बेल क्या हुई होगी, पहले नंबर वाली बेल 2 सेकंड में बजी होगी, सेकंड नंबर वाली क्या होगी 4 सेकंड बाद में बजी होगी, और थर्ड नंबर वाली बेल 6 सेकंड में बजी होगी, और फोर्थ नंबर वाली बेल 8 सेकंड में बजी होगी, फिफ्थ नंबर वाली बेल 10 सेकंड में के बाद में वापस बजी होगी, और 12 सेकंड वाली जो बेल है 6 नंबर वाली बेल जो कि 12 सेकंड के बाद में वापस से रिपीट हुई होगी। तो अब हमारे को ये बताना है जब 30 मिनट हो जाएंगे तो कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी बीच में कि जो वापस से एक साथ बजेंगे वो बेल, तो हमें वही निकालना है। तो हमें टुगेदर वाले वर्ड को पिक करना है, और टुगेदर वाले वर्ड को पिक करके हमारे को इनका एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले तो, और इनमें से 4 ऑप्शन है, इनमें से हमारे को सही ऑप्शन बताना है। तो हमारे को क्या निकालना है, एलसीएम ऑफ 2, 4, 6, 8, 10, 12, इनका एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं क्या होगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, मैंने सबको एक साथ ही लिख लिया है सर। 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, ये 2 टाइम, ये 3 टाइम, ये 4 टाइम, ये 5 टाइम, ये 6 टाइम। 2 से डिवाइड करेंगे ये तो 1, ऐसे कैसे आएगा, ये 1 टाइम होगा, ये होगा नहीं, ये 2 टाइम होगा, ये होगा नहीं, ये 3 टाइम होगा।
अब फिर से ये देखो, 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 3, ऐसे कैसे आएगा? ये 1 आएगा, ये 5 आएगा, ये 3 आएगा। फिर अब ये देखो, ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, तो ये 1 1 ऐसे कैसे, ये 3 1 टाइम हो गया, ये 5, ये 1 ऐसे कैसे आएगा? ये वाला जो 5 है ऐसे कैसे आएगा? 3 1 टाइम आ जाएगा, और उसके बाद में लास्ट में एक ये 5 टाइम होगा, 1 1 1 1 1 1 और 1। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम कितना आएगा देखो, 5 3 जा 15 2 जा 60 5 3 जा 15 2 जा 30 60 और 120। तो इनका एलसीएम आ गया 120। यानी कि 1 जब जो 0 सेकंड होगा स्टार्टिंग वाला तब बजेगी, उसके बाद में वापस से कब बजेगी? 120। लेकिन हमें ये नहीं पूछा कि अगली बार ये कब बजेगी, हमें ये पूछा है कि 30 मिनट में कितने बजेगी। तो नंबर ऑफ सेकंड से इन 30 मिनट्स कितना होगा, इतनी सेकंड्स के ऊपर पहली बार बजेगी 120 सेकंड्स पे, फिर सेकंड टोटल 30 मिनट में कितने सेकंड्स होंगे वो पहले निकाल लेते हैं। तो 30 मल्टीप्लाई 60 यानी कि 1800 सेकंड्स होंगे। अब 1800 देखो, एक बार 120 पे बजी, फिर एक 240 पे बजेगी, फिर 360 पे बजेगी, ऐसे चलती जाएगी चलती जाएगी। तो स्टार्टिंग वाली को छोड़ के 1800 तक कितनी बार बजेगी, तो कितनी बार बजेगी देखो, 1800 के अंदर 120 का डिवाइड कर दोगे तो जो नंबर आएगा देखो कितना आएगा, 16 आ रहा है। अब एक्चुअली देखो, ध्यान से अगर समझोगे तो हमारे को 120 पे बजी, फिर अगली बजेगी 240 पे, ऐसे करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, तो सॉरी यहाँ पे 15 आ रहे हैं, ठीक। तो ये कितने टाइम पे बजेगी, मतलब कि 15 जो होंगे, 15 टाइम्स क्या होंगी ये बजेगी एक साथ हमारी सारी की सारी 6 की 6 बेल्स। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि जब कभी भी टुगेदर वाला क्वेश्चन आए तो उसके अंदर हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। लेकिन इसमें केवल एलसीएम निकालने से काम नहीं चलेगा, उसने आगे भी पूछा है। आगे क्या पूछा है उसने कि 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी, तो हमें पता चल गया कि 120 सेकंड के अंदर एक बार बज जाती है एक साथ, फिर जैसे ही 240 सेकंड होगी फिर दोबारा बजेगी, ऐसे 1200 सेकंड जब होगी तब तक 10 बार बज चुकी होगी, 120 की टेबल बन गई है। फिर आगे 600 सेकंड और होगी तो 5 बार और बज चुकी होगी, तो हम बोल सकते हैं टोटल 10 और 5 टाइम क्या होगी, ये बेल्स एक साथ बजेंगी। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, तो हमारा ये वाला बी वाला ऑप्शन सही हो गया। लेकिन अगर ये बोल देता एक्सक्लूडिंग द 1 एट स्टार्ट, ये ना होके इंक्लूडिंग लिख देता, तो उस टाइम पे हमें स्टार्टिंग में जो 0 सेकंड पे 6 की 6 एक साथ बजी थी बेल्स, उनको भी इंक्लूड करना पड़ता, उस केस में हमारा आंसर क्या आता, 16 आता। आई होप अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस टाइप की प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व करना है। एक और प्रॉब्लम है, ध्यान से समझते हैं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट, देखो ग्रेटेस्ट वर्ड को पिक कर लो, ग्रेटेस्ट वर्ड हमारे को पता करना है, मतलब ग्रेटेस्ट वैल्यू पता करनी है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच ए गर्ल कैन वॉक 95 मीटर एंड 171 मीटर एंड इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स। यानी कि हमारे को ग्रेटेस्ट स्पीड बतानी है जिससे कि वो लड़की है वो 95 मीटर और 117 मीटर को एग्जैक्टली मिनट्स में कवर कर ले। इसको ऐसे समझ लो, जैसे कि मान लो कि किसी की स्पीड 18 है, 18 मिनट पर सेकंड की, 18 मीटर पर मिनट की स्पीड से कोई चल रही है, कोई गर्ल है, वो अगर उसको 50 मीटर चलना है तो क्या होगा, 18 18 18 54 वो होगा, यानी एग्जैक्टली मिनट्स में नहीं चल पा रही। तो हमें वो एग्जैक्टली वो मिनट बताना है जिससे कि ये क्या होगा, पूरा पूरा उस डिस्टेंस को ट्रेवल कर ले, पॉइंटों में नहीं आना चाहिए वो। तो जब ग्रेटेस्ट दिखते ही हमारे को क्या निकालनी है, ग्रेटेस्ट का मतलब हमारे को एचसीएफ निकालना है, तो हमारे को एचसीएफ ऑफ 95 एंड 171 निकालना है, वही हमारा रिजल्ट आएगा। तो जब आप इसका एचसीएफ निकाल 95 के जब फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, मैंने पीएफ का मतलब शॉर्ट में लिख दिया है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 95 करोगे तो 5 मल्टीप्लाई 19 आएगा। ऐसे ही अगर मैं 171 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 171, तो आएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 19। तो इन दोनों का जो कॉमन वाला पार्ट आ रहा है वो 19 आ रहा है, तो एचसीएफ कितना आया इनका, एचसीएफ ऑफ 95, 171 वो आ रहा है 19। यानी कि हम बोल देंगे 19 मीटर पर मिनट की स्पीड से अगर वो चले, तो देखो 5 मिनट्स के अंदर तो 95 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, और
9 मिनट्स के अंदर 171 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेगी। तो हम बोल सकते हैं कि उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए, ग्रेटेस्ट स्पीड 19 मीटर होनी चाहिए। इससे कम भी होगी तो चल जाएगी, लेकिन मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, 19 मीटर पर मिनट। आई होप ये चीज ग्रेटेस्ट टुगेदर ये वर्ड्स आप ध्यान रखोगे और इसके हिसाब से डायरेक्टली क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करना। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूं, इसके बाद में आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अब हम एक और एग्जांपल को देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, जिसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं, 825 सेंटीमीटर हो जाएगा ये, 825 सेंटीमीटर। दूसरा है 6 मीटर 75 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो जाएगा 675 सेंटीमीटर। और तीसरा जो उसकी हाइट है वो दे रखी है 4 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, जिसको अगर मैं कन्वर्ट करूंगा सेंटीमीटर में तो ये हो जाएगा 450 सेंटीमीटर। वो गिवन है हमारे को, लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है एक रूम की। हमें क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड। देखो लॉन्गेस्ट वर्ड को पिक करो, लॉन्गेस्ट बोल दो, ग्रेटेस्ट बोल दो, मैक्सिमम बोल दो, लार्जेस्ट बोल दो, ये कुछ भी वर्ड आए सब एक दूसरे के सिनोनिम है। तो लॉन्गेस्ट रोड पता करनी है, जिसकी हेल्प से हम तीनों डाइमेंशंस को यानी कि लेंथ ब्रेथ और हाइट को एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं। तो जब कभी भी लॉन्गेस्ट वर्ड दिखे तो हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, द लॉन्गेस्ट रोड, द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रोड, द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रोड बराबर क्या हो जाएगा, एच सी एफ ऑफ इन तीनों नंबर्स का एच सी एफ जो आएगा वही लॉन्गेस्ट रोड की वैल्यू होगी। तो 825 सेंटीमीटर कोमा 450 सेंटीमीटर कोमा 675 सेंटीमीटर, ये मैंने पहले लिख दिया है। तो इन तीनों का जो भी एच सी एफ आएगा वही हमारा क्या होगा, लॉन्गेस्ट रोड की लेंथ हो जाएगी। तो सबसे पहले एच सी एफ निकाल के देखते हैं कि क्या होता है। तो मैं फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ सबका। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 825, ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 450, और ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कर लेंगे हम 675, और फिर इनका एचसीएफ ले लेंगे, वही हमारी लॉन्गेस्ट रोड की लेंथ हो जाएगी, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, रूम की सारी डाइमेंशंस को इजीली नाप सकते हैं। तो देखो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखो तीनों का सम कितना हो रहा है, 15, यानी कि 3 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो मैं इसको करके बता देता हूँ साइड में, 3 से डिवाइड होगा, ये 2 टाइम होगा, 2 बचा 7 टाइम 15। अब मेरे हिसाब से 2 से मतलब 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 5 से करोगे, 5 टाइम होगा, 2 बचेगा, फिर से 5 टाइम होगा, फिर से 5 से होगा 11 टाइम, फिर से 11 से होगा 1 टाइम। तो इसके फैक्टराइजेशन क्या हो चुके हैं, 3 मल्टीप्लाई 5 पावर 2 मल्टीप्लाई 11। आई होप ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी, ये बहुत सारे प्रैक्टिस मैंने सेकेंड वाले उसके अंदर करवा दिया, सेकेंड पार्ट को अच्छे से देखिए, उसके अंदर बहुत सारे ढेर सारे मैंने सवाल करवाए हैं इसके ऊपर। ऐसे ही 450 का करेंगे अब तो क्या होगा, 2 से डिवाइड हो रहा है 225, अब 3 से डिवाइड हो रहा है 7 टाइम और 5 टाइम, फिर से 3 से हो रहा है 25, फिर से 5 से हो रहा है 5 और 1। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पावर 2। तो ये हमने इसका फैक्टराइजेशन कर लिया, अब हमें क्या करना है, 675 का फैक्टराइजेशन करना है। तो ये देखो इन दोनों का सम, इन सब का सम कितना हो रहा है, 18 हो रहा है, मतलब 3 से डिवाइड होगा, 3 से ये 2 टाइम, ये भी 2 टाइम, ये 5 टाइम, फिर से 3 से होगा 75, फिर से 3 से होगा 25, अब 5 से होगा 5, 5 से होगा 1, तो कितना हो गया, 3 पावर 3 मल्टीप्लाई 5 पावर 2। आई होप ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हमें इनका एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, छोटी वाली पावर्स को पिक करते हैं। तो यहाँ पे 3 पावर 1 है, 3 पावर 2 है, 3 पावर 3 है, तो सबसे छोटी वाली पावर कौन सी है, 3। यहाँ पे 5 पावर 2 है, यहाँ 5 पावर 2 है, यहाँ भी 5 पावर 2 है, तो सबसे छोटी पावर कौन सी है, 5 पावर 2। हमने इसको पिक कर लिया। इसके बाद में हमारे पास और कुछ तो कॉमन नहीं आ रहा, इसमें 11 आ रहा है, इसमें नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि इन तीनों का जो मल्टीप्लाई होगा, जैसे 70 ये बोल सकते हैं, ये कितना हो गया, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 75 सेंटीमीटर, यानी 75 सेंटीमीटर उस रोड की मिनिमम लेंथ होगी
वो सॉरी ग्रेटेस्ट लेंथ होगी, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों डायमेंशंस को पूरा पूरा मेजर कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब एक आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, मैं एक बार रीड कर देता हूँ। ऑन ए मॉर्निंग वॉक थ्री पर्सन्स स्टेप ऑफ टुगेदर। अब देखो टुगेदर दिख गया, तो तीन कोई लोग हैं, तीन आदमी है या तीन गर्ल्स है, वो क्या कर रही है, एक साथ मॉर्निंग वॉक पे जा रही है। अब उनकी हाइट छोटी बड़ी रही होगी, इस वजह से उनके जो स्टेप्स होंगे वो भी कम ज़्यादा होंगे। तो एक के स्टेप्स 40 सेंटीमीटर का एक स्टेप है, एक का 42 सेंटीमीटर का, एक का 45 सेंटीमीटर का। अब जब स्टार्टिंग में है तो वो एक ही जगह पे खड़े होंगे तीनों के तीनों, तो तीनों के स्टेप कॉमन होंगे। लेकिन जब अगली बार चलेंगे तो एक का स्टेप 40 का है, एक का 42 का है, एक का 45 का है, तो वो तीनों स्टेप मिलेंगे नहीं, एक सिद्ध में नहीं आएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि आगे कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन जरूर बनेगी जब तीनों के स्टेप एक साथ एक ही सीध के अंदर आएंगे, मतलब कि एक ही लाइन के अंदर दिखेंगे, तो हमें वो निकालना है। तो टुगेदर वर्ड दिखते ही समझ में आना चाहिए कि क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो हमें कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, वो मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है जिसके बाद में ये क्या हो, सेम डिस्टेंस के बाद में, मतलब ये सारे के सारे स्टेप्स इनके कंप्लीट हो जाए। तो सेम वो चीज़ है, टुगेदर देखते ही हमारे को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, और इन चार में से जो भी ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अब हम कुछ टाइप के नंबर्स और होते हैं उनको देखते हैं। तो जो सबसे पहले हमने पढ़ा था प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर, उसी का अगले वाले जो नंबर बनता है वो आता है को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं, यहाँ पे दो नंबर्स का पेयर लिया जाएगा। वहाँ पे हम सिंगल सिंगल नंबर अलग से पढ़ रहे थे, प्राइम नंबर्स एक सिंगल नंबर होता था, कॉम्पोजिट नंबर भी किसी सिंगल नंबर की बात करते थे, लेकिन यहाँ पे नंबर्स को पेयर की फॉर्म में लेंगे। तो पेयर ऑफ टू नेचुरल नंबर्स, दो नेचुरल नंबर्स का पेयर जिनका एचसीएफ कितना हो, एक हो। अगर दो नेचुरल नंबर्स के पेयर का एचसीएफ 1 आ रहा है तो ऐसे दो नेचुरल नंबर्स के पेयर को क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 और 3, 5, 7, 11, 12, 25, 24, 25, 29, 31, जब आप इनका एचसीएफ निकाल के देखोगे ना, एचसीएफ हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। तो जिनका भी दो नंबर्स, जो नेचुरल नंबर्स के पेयर का एचसीएफ 1 आ जाए, वो नेचुरल नंबर्स का जो पेयर बनेगा उन नेचुरल नंबर्स का, वो क्या कहलाएगा, को प्राइम नंबर्स कहलाएगा। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे भी तीन इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान रखना। अगर दो प्राइम नंबर्स दे दे, कोई से भी दो प्राइम नंबर उठा के दे दे, उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को पार्ट 1 में बता चुका हूँ कि दो प्राइम नंबर्स का एचसीएफ हमेशा 1 होता है, और अगर एचसीएफ 1 हो रहा है इसका मतलब वो कौन से होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। तो हम बोल सकते हैं पेयर ऑफ एनी टू प्राइम नंबर्स, दो प्राइम नंबर्स का जो पेयर होगा वो हमेशा क्या होगा, को प्राइम होगा, क्योंकि उनका एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। तो कहीं पर अगर दो प्राइम नंबर्स लिखे हुए दिख जाए तो उनका एचसीएफ बिना सोचे समझे कितना लिख देना, 1 लिख देना। उसी तरीके से पेयर ऑफ एनी टू कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स, अगर लगातार दो नंबर्स लिखे हुए दिख जाए, जैसे कि 26 के बाद में 27 आ गया या 51 के बाद में 52 आ गया, तो उन दोनों का एचसीएफ भी जब निकाल के देखोगे, लगातार दो नंबर्स का कंजुगेटिव टू इंटीजर्स का या कंजुगेटिव टू नेचुरल नंबर्स का जब हम लोग क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, वो भी हमेशा 1 आता है। तो बोल सकते हैं कि वो भी हमेशा एचसीएफ अगर 1 आ रहा है तो क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। जैसे कि 24, 20, 25, 26 हो गया, 100, 101, मतलब 101 हो गया। तो ये लगातार दो नंबर्स है, इनका एचसीएफ हमेशा कितना आने वाला है, एक आएगा। और जिनका एचसीएफ 1 आता है, ऐसे नंबर्स के पेयर को क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। आई होप ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। और अगर दो नंबर्स का एचसीएफ 1 आ रहा है तो उनका एलसीएम हमें डायरेक्ट निकालना आना चाहिए, उन दोनों नंबर्स का जो मल्टीप्लाई आएगा, प्रोडक्ट आएगा, वही उनका एलसीएम होगा। एचसीएफ दो प्राइम नंबर्स का क्या होगा, दो को प्राइम नंबर्स का एचसीएफ क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। यानी कि अगर दो नेचुरल नंबर्स का एचसीएफ 1 हो जाए तो ऐसे पेयर को हम को प्राइम नंबर्स बोल देते हैं। अगर हमें उन दो नंबर्स का क्या निकालना पड़े, दो को प्राइम नंबर्स ए और बी का एलसीएम निकालना पड़े, तो सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा क्या आएगा, एलसीएम आएगा। ये चीज़ भी मैं आप लोगों को पार्ट 1 में थोड़ा बहुत बता चुका हूँ। अब हमारे नेक्स्ट टाइप के नंबर पढ़ते हैं। हमने नेचुरल नंबर्स के तीन फॉर्म पढ़ लिए, प्राइम नंबर्स पढ़ा हमने, कॉम्पोजिट नंबर पढ़ा, और एक और टाइप पढ़ लिया हमने, को प्राइम नंबर्स। अब हमारा नेक्स्ट टाइप का नंबर आता है होल नंबर्स।
जब हम नेचुरल नंबर्स के अंदर जीरो को भी इंक्लूड कर ले, नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी, अगर उसमें जीरो को भी इंक्लूड कर ले तो वो जो नंबर्स का जो सेट बनेगा, कलेक्शन बनेगा, उस कलेक्शन को क्या बोल देंगे हम, होल नंबर्स, जिसको W से डिनोट किया जाता है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी, ये जो नंबर्स का जो पूरा कलेक्शन है ये क्या कहलाएगा, होल नंबर्स का कलेक्शन, W से डिनोट किया जाता है। आई होप ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ एक नोट है, ध्यान से समझना, जैसे नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी तक, होल नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी तक। अब मुझे बताइए क्या ये सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आ रहे हैं, क्या 1, 2, 3, 4, 5 ये इसमें भी आ रहे हैं? हम बोल सकते हैं कि आ रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो सारे के सारे होल नंबर भी होंगे। तो हम बोल देंगे ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, यानी कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर वाले सेट के अंदर, यानी होल नंबर वाले कलेक्शन में भी इंक्लूडेड है। तो हम बोल सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स भी होंगे। आई होप ये नोट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट टाइप के नंबर, जिनको बोलते हैं हम इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है, हमारे होल नंबर्स क्या है, 0 to infinity तक। अगर हम नेगेटिव वाले नंबर्स को भी इसमें क्या कर ले, इंक्लूड कर ले, तो ये जो पूरा सेट बन जाएगा, कलेक्शन बन जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटीजर्स, जिसको आई से या जेड से डिनोट किया जाता है। आई का मतलब तो इंटीजर समझ सकते हो, लेकिन ये जेड क्या आ गया, जेड एक्चुअली एक जर्मन वर्ड है, एक जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है, जेहलिन, नाइन्थ क्लास की बुक में दे रखा है। इसका मतलब होता है टू काउंट, गिनती करना। तो एक्चुअल में तो गिनती माइनस के इनफाइनाइट से चालू है और धीरे धीरे मतलब कम बढ़ती जा रही है, फिर -10, फिर धीरे धीरे आएगी -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और अप टू प्लस के इन्फिनिटी तक जाएगी। एक्चुअल काउंटिंग तो ये है। तो हम बोल सकते हैं कि जेड या आई से डिनोट किया जाता है इंटीजर्स को। तो इसके अंदर देखो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये तो होल नंबर हम ऑलरेडी जानते थे, इसी में -1, -2, -3 ये नेगेटिव वाले नंबर्स भी इंक्लूड कर लिए अप टू इन्फिनिटी। तो ये नंबर्स का कलेक्शन क्या कहलाएगा हमारा, इंटीजर्स कहलाएगा। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब यहां से हमें 3-4 टाइप के इंटीजर्स पढ़ने हैं, एक्चुअली 6 टाइप के टोटल इंटीजर्स होते हैं। सबसे पहले देखो ये वाले जो है 1 से आगे वाले, ये सारे के सारे पॉजिटिव है, तो इन इंटीजर्स को हम बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, जिनको या तो आई प्लस या जेड प्लस से डिनोट किया जाता है, प्लस का मतलब पॉजिटिव। अब मुझे बताए 1, 2, 3, 4, 5 ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, क्या 1, 2, 3, 4, 5 हमारे नेचुरल नंबर्स भी होते थे? तो हम क्या बोल सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स को हम नेचुरल नंबर्स भी बोल सकते हैं, जो कि मैंने यहां लिखा है। और ये जो माइनस वाले नंबर्स है, -1, -2, -3 इनको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स, जिनको आई के ऊपर माइनस और जेड माइनस से डिनोट किया जाता है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। लेकिन ये जो जीरो बच गया, ये तो नाइदर पॉजिटिव नोर नेगेटिव, मतलब ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, एक तरीके से ये न्यूट्रल है, ना तो प्लस का नंबर है ना ही नेगेटिव है। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरो को ना तो पॉजिटिव में इंक्लूड करना ना ही नेगेटिव में इंक्लूड करना। अब और 4 टाइप के इंटीजर्स होते हैं, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले टाइप के इंटीजर है ओड इंटीजर्स। तो ओड इंटीजर्स आप बचपन से पढ़ते आए हो कि जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। इवन इंटीजर्स क्या होते हैं, जो कि 2 से डिविजिबल होते हैं। अब 2 से डिविजिबल नहीं होने वाले क्या होंगे, प्लस माइनस का 1, दोनों मैंने एक साथ लिख दिए, +3, +5, +7, -9, +11 चलते जाएंगे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये लास्ट में, जितने भी ओड इंटीजर्स होंगे हम उसको 2n+1 टाइप से लिख सकते हैं। यहाँ पे n की जगह पे आप कोई भी इंटीजर वैल्यू पुट करोगे, 0, 1, 2, 3, -1, -2, हमेशा आपको ये वाले इंटीजर ही निकल के आएंगे। जैसे पुट करके देख लो, 0 पुट करो ये 0 हो जाएगा, 1 आ गया, देखो 1 पुट करो 2, 1 जा 2, +1, 3 आ गया, 2 पुट करो 2, 2 जा 4, +1, 5 आ गया। यानी जितने भी ओड इंटीजर्स होते हैं उनको हम 2n+1 टाइप से लिख सकते हैं, जहाँ पे n की वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकती है। सिमिलरली जो इवन इंटीजर्स होंगे वो क्या होंगे, 2 से डिविजिबल होंगे, तो उनको हम क्या कौन कौन से बोलेंगे, एग्जाम्पल्स अगर बोले तो 0, ±2, ±4, ±6, ±8 इनको हम 2n टाइप से लिख सकते हैं। यहाँ पे n की कोई भी इंटीजर वैल्यू पुट करोगे आप तो हमेशा ये वाले नंबर ही, यानी कि इवन इंटीजर ही निकल के आएंगे। पुट करके देख लो, 0 पुट करोगे तो 0 आएगा, 1 पुट करोगे तो 2 आएगा, 2 पुट करोगे तो 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, और 3 पुट करोगे तो 6 हो जाएगा, -1 पुट करोगे तो -2 हो जाएगा, -2 पुट करोगे तो -4 हो जाएगा। हम बोल सकते हैं जितने भी इवन इंटीजर्स है वो 2n टाइप से लिखे जा सकते हैं, जहाँ पे n क्या होगा, इंटीजर होगा। आई होप ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। 2 टाइप के इंटीजर्स और है, ये भी ध्यान से देखो, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। अब यहां से थोड़ा सा कंफ्यूजन शुरू हो सकता है
क्या बोल सकते हो नॉन पॉजिटिव का मतलब नेगेटिव, यानी कि जो पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव होगा, नहीं, यहां पे थोड़ा सा अलग चीज है। तो नॉन पॉजिटिव का मतलब है जो पॉजिटिव नहीं है। तो देखो ये तो साफ साफ दिख रहे हैं, ये वाले तो पॉजिटिव नहीं है क्योंकि नेगेटिव है, लेकिन जीरो भी तो पॉजिटिव नहीं होता, जीरो ना पॉजिटिव होता ना नेगेटिव। अभी हम बात कर रहे हैं जो पॉजिटिव नहीं है, तो जीरो भी पॉजिटिव नहीं होता, तो हमें जीरो को भी इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, सारे नेगेटिव प्लस जीरो मतलब इंक्लूडिंग जीरो, ये क्या कहलाएंगे, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। अब बात करते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब है जो नेगेटिव नहीं है, तो ये तो साफ साफ दिख रहे हैं नेगेटिव है ही नहीं, क्योंकि पॉजिटिव है तो नेगेटिव कैसे हो सकते हैं। हमें पता है जीरो भी तो नेगेटिव नहीं होता, जीरो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही नहीं होता, लेकिन अभी बात कर रहे हैं जो नेगेटिव नहीं है, तो जीरो नेगेटिव नहीं होता तो हम बोलेंगे जीरो को भी इसमें शामिल कर लेंगे। तो अब ये जो बना पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो, तो वो क्या कहलाएगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, वो सारे इंटीजर्स क्या कहलाएंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब एक चीज़ और ध्यान रखो, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इनको हम क्या भी बोल सकते हैं, होल नंबर्स भी बोल सकते हैं। तो किसी क्वेश्चन के अंदर होल नंबर की जगह पे नॉन नेगेटिव इंटीजर वर्ड लिखा हुआ हो सकता है, या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स वर्ड की इंटीजर्स की जगह पे होल नंबर लिखा हुआ हो सकता है, दोनों का मतलब सेम होता है। ऐसे ही यहाँ अभी मैंने बताया था पॉजिटिव इंटीजर्स और नेचुरल नंबर्स दोनों एक ही चीज़ होते हैं, तो दोनों की जगह पे कोई सा भी वर्ड किसी भी क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ हो सकता है, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर से एक नोट आ गया, तो देखो ये नेचुरल नंबर्स है, ये होल नंबर्स है, ये इंटीजर्स है, क्या ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स इधर आ रहे हैं, देखो ये आ रहे हैं, इसी तरीके से सारे के सारे होल नंबर भी इसमें आ रहे हैं, देखो ये वाले आ रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स, सारे के सारे होल नंबर्स क्या होंगे, इंटीजर होंगे। तो ऑल नेचुरल एंड होल नंबर्स आर ऑल्सो इंटीजर्स, यानी कि नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स एक्चुअली इंटीजर्स में इंक्लूडेड होते हैं ऑलरेडी। तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इसे भी आप नोट कर लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग रैशनल नंबर्स को पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स भी आपने 8th क्लास में पढ़े होंगे, 9th क्लास के अंदर फर्स्ट चैप्टर में भी इसके बारे में गिवन था। तो रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिन भी नंबर्स को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है वो रैशनल नंबर्स होते हैं। बस ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, पी बाई क्यू के अंदर पी और क्यू कोई भी इंटीजर हो सकता है, प्लस माइनस का कोई सा भी, लेकिन जो डेनोमिनेटर है ये नीचे वाला, ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि 10th क्लास तक की मैथमेटिक्स में जीरो से डिविजिबल मतलब डिवाइड करना अलाउ नहीं है, तो इसलिए डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, अदरवाइज कोई सा भी इंटीजर यहाँ पे हो सकता है। एग्जांपल के तौर पे देखो, ये साफ साफ दिख रहा होगा पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, जीरो नहीं दिख रहा होगा लेकिन इसको हम बना सकते हैं, जैसे 0/10 बना दिया तो रहेगा तो जीरो ही, लेकिन पी बाई क्यू की फॉर्म में हो गया। ये जो दो मैंने इंटीजर्स लिखे हैं तो इनके नीचे भी मैं 1 लगा के क्या कर सकता हूँ, इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में ला सकता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाला जो डेसिमल आप देख पा रहे होंगे, तो इसके अंदर भी मैं पॉइंट को हटा के नीचे 10 लगा सकता हूँ, तो ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। और ये एक डिफरेंट टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है जो आपने 9th में पढ़ा होगा, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला है, 3 बार रिपीट हो रहा है। तो ये भी एक्चुअल में आप करके देखोगे ना तो 10/3 है, जब मैं 10 में 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 3 times डिवाइड होगा, फिर 1 बच गया, तो फिर 0 नोट करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, फिर 10 हो गया, फिर से 3 times डिवाइड होगा, फिर 1 बच गया, फिर 3 times, यानी कि 3 चलता रहेगा। तो हम बोल सकते हैं 10/3 जो कि साफ साफ दिख रहा है P/Q की फॉर्म में। तो ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान रखना कि भाई पॉजिटिव रैशनल नंबर्स कब होंगे, नेगेटिव कब होंगे। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है तो वो रैशनल नंबर पॉजिटिव होगा, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस प्लस तो दोनों प्लस ही होते हैं। और अगर दोनों एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, या एक नेगेटिव है या एक पॉजिटिव है, तो इस टाइप के जो भी अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिख जाए जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ऐसे रैशनल नंबर्स क्या होंगे, नेगेटिव रैशनल नंबर्स होंगे। आई होप ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम रैशनल नंबर से रिलेटेड कुछ 4 इंपॉर्टेंट नोट है उनको देख लेते हैं। सबसे पहला नोट तो यही है कि 0 एक रैशनल नंबर होता है। अभी मैंने बताया 0 के नीचे आप कुछ भी लगा सकते हो, बस 0 के नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं लगाना, इसके अलावा कुछ भी पुट करोगे आंसर 0 ही आएगा। देखो पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो जब भी पी बाई क्यू की फॉर्म में कोई नंबर हो ऊपर 0 हो सकता है, नीचे नहीं होना चाहिए। तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो 0 एक रैशनल नंबर होता है। पहली चीज, जितने भी इंटीजर्स होंगे उन इंटीजर्स के नीचे हम 1 लगा सकते हैं,
जैसे माइनस फाइव के नीचे वन लगा दिया, माइनस फाइव बाई वन बन गया, माइनस फोर के नीचे वन लगा दिया, माइनस फोर बाई वन बन गया, थ्री के नीचे वन लगा दिया, थ्री बाई वन बन गया, एट के नीचे वन लगा दिया, एट बाई वन बन गया। और जैसे ही इस फॉर्म में आए तो हम बोल सकते हैं कि पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गए। तो जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं। अभी हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो भी इंटीजर होते हैं, होल नंबर्स होते हैं वो भी इंटीजर में आते हैं, और इंटीजर अब रेशनल नंबर्स में आते हैं जिनको क्यू से डिनोट किया जाता है, ध्यान रखना। तो हम बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर और होल नंबर भी इनमें आते हैं। तो हम बोल सकते हैं जितने भी अभी तक हमने नंबर पढ़े, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, ये सारे के सारे किसमें शामिल होंगे, हमारे मतलब रेशनल नंबर्स के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं। आई होप ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ये इंपॉर्टेंट नोट है जिसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे अभी डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ाऊंगा तब और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। सवाल क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का मतलब है जो डेसिमल कुछ डिजिट्स के बाद में खत्म हो जाते हैं, रुक जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7.525, अब ये टर्मिनेट हो गया, रुक गया, तो ये क्या होगा, हमेशा एक रैशनल नंबर होगा। क्यों होगा, इसको हम पॉइंट को हटा के क्या कर सकते हैं, नीचे वन और ट्रिपल जीरो लगा सकते हैं। तो देखो पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और जो भी नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए वो नंबर क्या होता है, हमारा रैशनल नंबर होता है। दूसरी चीज, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन रिपीट होने लग गया, जैसे कि 3.3 बार, इसका मतलब है 3.333 चल रहा है। तो यह भी मैंने बताया एक्चुअली 10/3 है। आप जब 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 बार बार रिपीट होने लग जाएगा। तो ये साफ साफ दिख रहा है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और टर्मिनेटिंग जो डेसिमल्स होते हैं वो डेसिमल्स भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। आई होप ये चीज़ भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और ये आपने 8th में पढ़ा होगा कि दो रैशनल नंबर, जो दो रैशनल नंबर्स होंगे उनका सम निकाल लो, डिफरेंस निकाल लो, प्रोडक्ट निकाल लो, क्वोशेंट यानी उनको डिवाइड कर लो, जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या ही आएगा, रैशनल नंबर ही आएगा। जैसे मान लो a बाई बी और c बाई डी दो रैशनल नंबर है, इनको ऐड करो तो मान लो e बाई एफ आया तो ये भी रैशनल होगा, इनको सब्ट्रैक्ट करने पर g बाई एच आया ये भी रैशनल होगा, मल्टीप्लाई करने पर i बाई जे कुछ आया तो ये भी रैशनल होगा, और डिवाइड करने पे मान लो के बाई एल कुछ आया तो ये भी रैशनल होगा। तो हम बोल सकते हैं दो रैशनल नंबर्स का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और क्वोशेंट जो आएगा वो चारों के चारों क्या आने वाले हैं, रैशनल ही आएंगे। आई होप ये चीज़ भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी, इसे भी आप नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग अब पढ़ते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम पढ़ते हैं डेसिमल एक्सपेंशन, ये भी आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, बस मैं जल्दी से यहाँ पे एक बार रिकैप करवा देता हूँ आप लोगों को। तो डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप के होते हैं, यानी कि जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो दो टाइप के रिजल्ट आ सकते हैं। या तो रिजल्ट क्या हो, कुछ डिजिट्स के बाद में टर्मिनेट हो जाए, डेसिमल के दो तीन प्लेस के बाद में रुक जाए, या फिर वो बार बार चलता रहे यानी कि रुके नहीं। तो उस कंडीशन में हम दो टाइप के डेसिमल्स बोल सकते हैं कि अगर वो रुक जाए तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, और अगर नहीं रुके तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। जैसे कि यहाँ पे 1.7 के बाद में वो स्टॉप हो गया, रुक गया, ऐसे यहाँ पे 1.525 के बाद में वो रुक गया। तो हम बोल सकते हैं ये दोनों टाइप के जो डेसिमल्स है वो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, तो जो रिपीट हो या फिर मतलब रुके ना। तो जैसे कि 1.3 बार, मतलब 1.333 चलता जा रहा है बार बार, रुक नहीं रहा, ऐसे ही 1.25 बार, यहाँ पे ध्यान रखना 2.5 बार है तो 5.3 बार बार चलेगा, 2 नहीं चलेगा। तो ये क्या बनेगा एक्चुअली, 4.25 3 5 3 5 3। तो देखो रुक नहीं रहा, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ऐसे ही पाई है, पाई की वैल्यू भी कभी फिक्स नहीं होती, मतलब चलती जाती है, नॉन टर्मिनेटिंग होती है, 3.1415 डैश डैश चलती जाएगी, कभी रुकेगी नहीं। ऐसे ही जैसे एक और मैंने एग्जांपल बनाया 1.10100100040, चलते जाएंगे, कभी भी रुक नहीं रहा है। उसी तरीके से जैसे √2 और √3 हो गया, तो 1.414 चलता जाएगा, ऐसे ही √3 में 1.732 चलता जाएगा आगे, कभी भी रुकेगा नहीं। तो जब कोई डेसिमल एक्सपेंशन रुके ना तो वो कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आई होप ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ भी आपने दो टाइप के देखे होंगे, एक के अंदर जहाँ रिपीटेशन दिखा होगा इन दोनों में बार बार आ रहा है, और इन तीनों चारों के अंदर कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा, तो उसके बेसिस पे दो और कैटेगरी बना सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की, कि भाई एक तो रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल, जैसे 1.3 बार, 1.4 4.253 बार हो गया, तो ये क्या है, हमारे रिपीटिंग वाले डेसिमल्स।
और नॉन रिपीटिंग में क्या आ गया, पाई रूट टू रूट थ्री, 1.10, 100, 1000, तो ये ना तो रिपीट हो रहे और ना ही रुक रहे, टर्मिनेट हो रहे। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग, ये वाले डेसिमल एक्सपेंशन है रिपीटिंग और रिकरिंग। आई होप ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। अब हमें क्या ध्यान रखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो टर्मिनेटिंग वाले और नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग वाले, ये क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं, यानी कि इनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये मैंने नेक्स्ट स्लाइड के लास्ट स्लाइड के ऊपर भी मैंने आप लोगों को नोट लिखवाया था और समझा भी दिया था। और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप के होते हैं, ये होते हैं इरेशनल नंबर्स, यानी कि इनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जो कि हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग इरेशनल नंबर्स को पढ़ेंगे, तब और अच्छे से इसको क्लियर कर लेंगे। आई होप ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब एक और नोट है ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत सारे बच्चे पाई इज इक्वल 22/7 ही मान लेते हैं। पाई इज नॉट इक्वल 22/7, पाई 22/7 के बराबर नहीं होता, केवल कैलकुलेशंस करने के लिए हम यूज करते हैं। पाई इज नियरली इक्वल टू 22/7, इसका सिंपल सा रीजन है, पाई एक इरेशनल नंबर है और 22/7 साफ साफ दिख रहा है पी वाई क्यू की फॉर्म में, तो ये एक रेशनल नंबर होगा। तो जब रेशनल नंबर इरेशनल नंबर दोनों अलग अलग चीज होती है, तो दोनों आपस में बराबर कैसे हो सकते हैं। हाँ, ओनली फॉर कैलकुलेशन हम क्या कर सकते हैं, पाई को 22/7 यूज करेंगे इन, जब हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स पढ़ेंगे उस चैप्टर में, पाई आर स्क्वायर में पाई की वैल्यू 22/7 वो क्वेश्चन के अंदर खुद ही बोल देगा कि ये पुट करनी है। आई होप ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ये भी नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वो कई बार दे देता है कि पाई इज इक्वल 22/7, पाई जो रेशनल और इरेशनल। अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं पाई मतलब 22/7 और 22/7 मतलब पी बाई क्यू और पी बाई क्यू मतलब रेशनल, लेकिन पाई क्या होता है, इरेशनल। आई होप ये चीज़ अच्छे से याद रखोगे आप लोग। एक नंबर में कभी असरसन रीजन में पूछा जा सकता है, या फिर क्या कर सकते हैं, राजस्थान बोर्ड के हिसाब से फ्लिंदा ब्लैंक में पूछा जा सकता है, या कहीं भी MCQs में पूछा जा सकता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ भी देखो कन्फ्यूजन है, हमें कोई नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख के दे देगा, मान लो पी बाई क्यू लिख के दे दिया। अब पी बाई क्यू का जो रिजल्ट है वो टर्मिनेटिंग टाइप का भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग टाइप का भी हो सकता है। अब हमें एग्जैक्टली कैसे पता चलेगा कि पी बाई क्यू टर्मिनेटिंग टाइप का डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग टाइप का डेसिमल है? तो एक तो तरीका है कि डिवाइड करने बैठ जाऊं, और अगर कहीं पे रुक जाए तो टर्मिनेटिंग, नहीं रुके बार बार रिपीट होने लग जाए तो क्या बोलते हैं, रिपीटिंग टाइप का डेसिमल हो जाएगा। मतलब अगर रुक जाए तो टर्मिनेटिंग, और अगर ना रुके रिपीट होने लग जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग टाइप का। आई होप ये चीज़ एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि कैसे कर सकते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन में खुद बोलेगा विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिविजन मेथड, यानी कि डिवाइड नहीं करना तो क्या करें। तो उस केस में देखो, तो टॉपिक का नाम है डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन का नेचर पता करना कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग वाला है। तो करना क्या है, जैसे पी बाई क्यू एक रेशनल नंबर है, हमें पूरे नंबर को देखना ही नहीं है, हमें केवल डिनोमिनेटर को देखना है, इसका डिनोमिनेटर कितना है क्यू। अगर डिनोमिनेटर कुछ इस टाइप का दिख जाए, 2 और 5 का फैक्टर दिखे ओनली, या अकेला 2 का फैक्टर हो या अकेला 5 का फैक्टर हो, तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखो, यहाँ पे 17 है, नीचे 100 का फैक्टराइजेशन करेंगे 2 पावर 2 5 पावर 2 बनेगा, जो कि आप लोग साफ साफ देख सकते हो कि किस फॉर्म में आ रहा है, 2 पावर n और 5 पावर, मतलब 2 पावर m 5 पावर n टाइप का, इस टाइप का दिख रहा है। ऐसे इसको देखोगे 17, और यहाँ पे 8 को 2 पावर 3 लिख सकते हो, देखो ये भी इस टाइप की फॉर्म में आ रहा है, 2 पावर 3 m की फॉर्म में आ रहा है। तो अगर इस टाइप के सिचुएशन बन जाए तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन क्या होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। और अगर इसके अलावा कुछ बने, जैसे 2 5 के साथ 3 भी आ गया, या 3 7 आ गया, या अकेला 3 हो गया, या 2 के साथ 7 आ गया, बस इनके अलावा कुछ भी सिचुएशन बने तो हमेशा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। जैसे कि एग्जांपल इनको देखो, तो नीचे वाले को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो देखो यहाँ पे पहले 2 से डिवाइड होगा 105 आएगा, फिर 3 से डिवाइड होगा 35, फिर 5, फिर 7। तो ये जो नंबर बना हमारा, ये नंबर देखो साफ साफ दिख रहा है इस फॉर्म में आ रहा है, इस वाली फॉर्म में, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। आई होप डेसिमल एक्सपेंशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। वैसे तो आई थिंक ये आपके सिलेबस से कट गया है पूरा, लेकिन ये जो छोटे छोटे मैंने नोट लिखवाए हैं, नोट इंपॉर्टेंट है, ये नोट डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर्स ये तो हमारे सिलेबस का पार्ट है ही, इसलिए इसे भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग इरेशनल नंबर्स स्टार्ट करते हैं।
अब हम आज के लेक्चर का हमारा लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है रैशनल नंबर्स। तो सबसे पहले तो समझते हैं रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, सॉरी इरेशनल नंबर्स, हमारा लास्ट टॉपिक है इरेशनल नंबर्स। तो सबसे पहले तो समझते हैं इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। हमने रैशनल नंबर्स पढ़े हैं, रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। तो दोज नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो नंबर्स इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ये भी ध्यान रखना इरेशनल नंबर्स को क्यू और ऊपर एक छोटा सा सी लगा के डिनोट किया जाता है। ये कि इलेवंथ क्लास में अगर आप लोग मैथ वगैरह पढ़ोगे तो वहाँ पे आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भाई क्यू सी यूज करते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं लास्ट स्लाइड पे भी, मैंने जब डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि जैसे पाई है ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा। ये नंबर देखो 1.101001000140, ये भी रिपीट नहीं हो रहा और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। ऐसे रूट टू और रूट थ्री जो कि रिपीट नहीं हो रहा और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। तो ऐसे डेसिमल्स क्या होंगे, हमेशा एक इरेशनल नंबर होंगे। तो यहाँ पे पहला नोट हमारा यही बन गया देखो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर इरेशनल नंबर्स। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो कभी भी आप लोगों को पाई दिखे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप का डेसिमल नंबर दिखे, वो हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। आई होप ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब कई बार कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि सर रूट वाला नंबर आ जाए तो हम कैसे पहचानें कि वो इरेशनल है या रैशनल है। तो इसके लिए भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। देखो जैसे कि मान लो कि रूट एन गिवन है, पहले बात तो रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए या जीरो होना चाहिए, नेगेटिव नंबर कभी भी नहीं चलेगा। 10th तक 11th क्लास में आगे एक अलग से चैप्टर पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर, वहाँ पे आप देखोगे रूट के अंदर भी नेगेटिव नंबर हो जाएगा तो वो इमेजनरी नंबर हो जाता है। हमारे जो रियल नंबर्स हम जो पढ़ रहे हैं मेन चैप्टर, तो वो रियल नंबर्स के हिसाब से तो हमारा कभी भी क्या बोलते हैं रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, ठीक है। 10th लेवल तक कभी भी नहीं यूज करना हमारे को। तो अब देखो अगर ये जो एन की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, यानी कि रूट के अंदर जो एन है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए, मतलब रूट में अगर 1 आ जाए, 4 आ जाए, 9 आ जाए, 16, तो इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं इजीली। रूट 1 का 1 होगा, रूट 4 का 2 होगा, रूट 9 का 3 होगा, रूट 16 का 4 होगा। तो उस केस में देखो जैसे कि रूट 9 3 हो गया, जिसको हम 3/1 भी लिख सकते हैं। 36 का 6 हो गया, 6/1 लिख सकते हैं। इसका 7 हो गया, 7/1 लिख सकते हैं। तो ये साफ साफ दिख रहा है पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल होते हैं। यानी कि अगर रूट में कोई नंबर गिवन है, मतलब रूट की फॉर्म में कोई नंबर गिवन है और स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी कि 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 इस टाइप की कोई नंबर है, तो वो हमेशा एक रैशनल नंबर होगा। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। और इसके अलावा अगर कोई नंबर रूट में आ रहा है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जैसे 2, 3, 5, 7 कोई डेसिमल में नंबर आ गया, तो उस केस में जो नंबर होगा हमारा वो इरेशनल नंबर होगा। जैसे रूट 27 का डायरेक्टली कोई भी स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 31 हो गया, 8 हो गया, तो ये नंबर्स पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, और नहीं लिखे जा सकते तो क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। आई होप रूट वाले किसी भी नंबर को आप इजीली आप पहचान लोगे कि कौन सा रैशनल होगा कौन सा इरेशनल होगा। अब हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज पढ़नी है हमारे को। तो मैंने 3 प्रॉपर्टीज यहाँ लिखी है, नेक्स्ट स्लाइड पे 2 या 3 प्रॉपर्टीज और है, इसी के साथ फिर हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी कहती है कि नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज ऑल्सो इरेशनल, मतलब जैसे रूट टू एक इरेशनल नंबर है, अगर मैं इसका नेगेटिव निकाल दूं यानी माइनस ऑफ रूट टू, तो ये भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। आई होप समझ में आ गया होगा कि अगर कोई नंबर इरेशनल है तो उसका नेगेटिव कर दोगे तो वो भी इरेशनल ही कहलाएगा, माइनस रूट टू भी इरेशनल ही होगा। सेकेंड वाला पॉइंट देखो, द सम एंड डिफरेंस ऑफ ए रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर, एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर का सम और डिफरेंस हमेशा इरेशनल कहलाएगा। जैसे कि एक रैशनल नंबर 7 ले लिया, जिसको 7/1 लिख सकते हैं, एक इरेशनल नंबर रूट 3 ले लिया, दोनों का सम करेंगे तो देखो ये तो रैशनल है ये इरेशनल है, लेकिन इन दोनों का जो सम आ रहा है 7+√3, ये क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। ऐसे डिफरेंस भी हो सकता है, जैसे 3-√2 लिख लिया तो ये 3 तो रैशनल नंबर है, रूट 3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, लेकिन इनका जो डिफरेंस आ रहा है 3-√2, ये क्या होगा, एक
इरेशनल नंबर होगा। आई होप ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ये याद रखने हैं, डायरेक्ट एक नंबर में नोट में पूछा जा सकता है, ठीक है, डायरेक्टली नोट से ही सवाल बन जाता है, असर्शन रीजन जो आते हैं उस वाले पोर्शन के अंदर या एमसीक्यूज के अंदर कभी पूछ लिया जाएगा। अगला आता है द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रैशनल नंबर में जीरो भी आता है। अभी हमें जीरो को नहीं, नॉन जीरो, जीरो के अलावा कोई रैशनल नंबर हो और एक इरेशनल नंबर हो, उनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई जो होगा वो भी हमेशा इरेशनल होगा। जैसे कि एक मैंने सात ले लिया जो कि जीरो नहीं है, एक इरेशनल नंबर रूट थ्री ले लिया, तो देखो ये तो रैशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट निकाला जिसको हम सेवन रूट थ्री भी बोल सकते हैं, तो ये नंबर सेवन रूट थ्री क्या कहलाएगा, एक इरेशनल नंबर होगा। बस ध्यान रखना नॉन जीरो इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन कर लेना आप जब नोट्स अपने प्रिपेयर करो तो उस टाइम पे। तो आई होप ये तीनों नोट आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, ये तीनों प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड पे कुछ प्रॉपर्टीज और देखते हैं। अब हम दो प्रॉपर्टीज और हैं उनको देखते हैं, इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो ध्यान से समझना, ये जो थर्ड हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है। जैसे कि अगर मान लो कि एक नंबर दिया है ए जो कि रैशनल है, एक नंबर बी दिया है वो इरेशनल है, और इनका जो प्रोडक्ट है ए मल्टीप्लाई बी वो क्या आ रहा है, रैशनल। अभी अभी मैंने बताया लास्ट स्लाइड पे कि अगर कोई नंबर एक रैशनल हो और एक इरेशनल हो उनका प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल आएगा, लेकिन जो रैशनल नंबर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो होगा। लेकिन अगर उसने खुद बोल दिया कि एक नंबर रैशनल है और एक इरेशनल है उनका प्रोडक्ट रैशनल आ रहा है, तो ये केवल तभी पॉसिबल है जब रैशनल वाला जो नंबर है यानी कि ए है वो कितना हो, जीरो हो। इसका क्या मतलब है देखो समझो, जैसे कि एक रैशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर है, अगर रैशनल नंबर जीरो ना होता हो तो इसका आंसर हमेशा क्या आता है, इरेशनल आता है, ये रैशनल नहीं होके इरेशनल होता, लास्ट स्लाइड पे हमने देखा। लेकिन उसने बोला है कि रैशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट रैशनल आ रहा है, ये तभी पॉसिबल है जब ए की वैल्यू जीरो हो जाए, जीरो जब इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट भी जीरो आएगा, और रिजल्ट जब जीरो आएगा तो वो क्या बनेगा, एक रैशनल बनेगा। तो अगर एक रैशनल और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट रैशनल हो रहा है तो रैशनल नंबर जीरो होगा, तभी ऐसा हो सकता है। अगर रैशनल नंबर नॉन जीरो है यानी कि ए वाली वैल्यू नॉन जीरो है तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा, जो कि हमने थर्ड वाला नोट पढ़ा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट नोट है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है इसके अंदर कि हम किस तरीके से इसको करें, कि भाई दोनों एक जैसे लग रहे हैं कि भाई रैशनल इरेशनल का प्रोडक्ट, एक जगह पर रैशनल बोल रहा हूँ मैं, एक जगह पर इरेशनल बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने सिचुएशन बदल दी। अगर रैशनल नंबर नॉन जीरो है मतलब जीरो नहीं है, जीरो के अलावा कुछ है, तो इरेशनल होगा हमेशा आंसर। लेकिन अगर रैशनल नंबर जो ए है वो जीरो है तो उस केस में प्रोडक्ट जो आएगा वो रैशनल आएगा। आई होप ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी, इसे भी आप नोट कर लेना। लास्ट नोट है, ये भी इंपॉर्टेंट नोट है, ये भी डायरेक्टली पूछा जाता है। अगर मान लो कि अभी हम देखो एक नंबर रैशनल ले रहे थे, एक इरेशनल, उस हिसाब से हम डेटा का जो मतलब जो भी सम करने पे, माइनस करने पे, प्रोडक्ट करने पे जो भी रिजल्ट आ रहा था वो हम बता रहे थे। लेकिन अब अगर दोनों ही नंबर इरेशनल हो जाए, रैशनल का कोई लेना देना नहीं, अब दोनों ही इरेशनल है, एक ए नंबर है वो भी इरेशनल है, बी नंबर है वो भी इरेशनल है, उनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करवा ले, तो उस केस में रिजल्ट रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो क्या बोला था, सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वेशेंट मतलब डिवीजन ऑफ टू इरेशनल नंबर्स, दो इरेशनल नंबर्स का सम प्रोडक्ट डिफरेंस डिवीजन और क्वेशेंट वगैरह ये जो सब है वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। मैं सबको एक एक एग्जाम्पल दे के आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे कि मैंने रूट टू प्लस रूट थ्री प्लस रूट टू लिया, इसको हम कंबाइन नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते, तो रूट थ्री भी इरेशनल है, रूट टू भी इरेशनल है, इनका सम जिसको हम ऐड नहीं कर सकते ये भी एक इरेशनल है। एक चीज़ और ध्यान रखना, ये भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर कहीं पे रूट ए प्लस रूट बी दे रखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने ए और बी को ऐड कर दिया, दोनों का कॉमन रूट लगा दिया, ये ऐसा नहीं होता है। रूट टू प्लस रूट थ्री कभी भी रूट फाइव नहीं होगा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, मल्टीप्लाई में ऐसा हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन इसी एग्जांपल में देखो, मैंने दो इरेशनल नंबर्स को ऐड करके इरेशनल बनाया, अब यहाँ भी मैं दो इरेशनल नंबर्स को ऐड करके एक रैशनल बना के बताता हूँ, थ्री प्लस रूट टू प्लस थ्री माइनस रूट टू, तो बीच में प्लस है तो मैं हटा देता हूँ ब्रैकेट को, कोई साइन चेंज नहीं करना, रूट टू से माइनस रूट टू ये खत्म हो गया, जीरो हो गया, थ्री प्लस थ्री सिक्स बचा, और सिक्स क्या हुआ, रैशनल होता है। तो देखो दो इरेशनल नंबर्स का सम करने पर रैशनल भी आ रहा है, दो इरेशनल नंबर्स का सम करने पे इरेशनल भी आ रहा है, तो रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी। डिफरेंस में देखते हैं, देखो थ्री रूट टू में से रूट टू गया तो टू रूट टू बचेगा, यहाँ पे वन रूट टू समझ सकते हो,
तो देखो थ्री रूट टू इरेशनल है, रूट टू भी इरेशनल है, टू रूट टू भी इरेशनल है, लेकिन अगर इसमें देखें तो थ्री प्लस रूट टू तो ऐसे कैसे आएगा, बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर साइन बदल जाएंगे, ये माइनस सिक्स हो जाएगा, ये माइनस का रूट टू हो जाएगा। तो देखो प्लस का रूट टू माइनस का रूट टू तो कट गया, और यहाँ पे कितना होगा, थ्री माइनस सिक्स माइनस का थ्री, जो कि क्या होता है, एक रैशनल होता है। देखो यहाँ पे दो इरेशनल नंबर्स का जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, रैशनल आ रहा है। तो देखो रैशनल भी इरेशनल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, प्रोडक्ट में करके देखते हैं। रूट टू प्लस रूट टू मल्टीप्लाई रूट थ्री करेंगे तो रूट सिक्स हो जाएगा, दोनों को सिंपली अंदर क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो रूट सिक्स हो गया। तो ये दोनों इरेशनल है, इनका प्रोडक्ट ये भी क्या आ रहा है, इरेशनल आ रहा है। यहाँ पे ध्यान रखना, अगर रूट ए और रूट बी को मल्टीप्लाई करना हो तो हम दोनों को एक ही रूट में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है रूट के अंदर नंबर पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है, ये मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ, रूट में हमेशा पॉजिटिव नंबर रखना है। लेकिन इसी के अंदर देखो रूट टू और रूट टू को मल्टीप्लाई करेंगे टू आएगा, और साथ में तीन चल रहा है, अब मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स आएगा, तो ये क्या हो गया, एक रैशनल हो गया। तो रिजल्ट इरेशनल भी आ रहा है और रैशनल भी आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर। क्वेश्चन में देख लो रूट सिक्स को हम क्या लिख सकते हैं, रूट टू मल्टीप्लाई रूट थ्री लिख सकते हैं, और नीचे रूट थ्री चल ही रहा है। ये देखो रूट सिक्स और रूट थ्री दोनों इरेशनल है, रूट थ्री से रूट थ्री कट गया, क्या बचा, रूट टू बचा, जो कि एक क्या है, इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को इसमें करें तो इसको मैं रूट टू मल्टीप्लाई रूट नाइन लिख सकता हूँ, और नीचे रूट टू चल रहा है, ये रूट एटीन और रूट टू दोनों के दोनों इरेशनल है, लेकिन यहाँ रूट टू से रूट टू कट गया, और रूट नाइन की वैल्यू कितनी होती है, थ्री होती है, और थ्री क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। आई होप ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी कि ये जो डिवीजन होता है या क्वेश्चन होता है वो इरेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है। अब हमारे चैप्टर के मीनिंग पे आते हैं हम लोग। चैप्टर जो हमने पढ़ा था वो था रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, हमने जितने भी रैशनल नंबर्स पढ़े और जितने भी इरेशनल नंबर्स पढ़े उन दोनों को मिला के ही क्या बोला जाता है, रियल नंबर्स बोला जाता है। और जब मैं रैशनल नंबर्स बोलता हूँ उसके अंदर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, वो सारे नंबर इंक्लूडेड है। और जब और उसके अंदर डेसिमल भी दोनों टाइप के, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाले इंक्लूडेड है। जब मैं इरेशनल नंबर्स बोलता हूँ उसमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले डेसिमल्स आ गए। जितने भी रैशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं इनको मिला के क्या बोला जाता है, रियल नंबर्स बोला जाता है। तो ये भी लास्ट में आप नोट कर लेना, इसे भी आप नोट कर लीजिए। इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है। अब हमारा केवल एक टॉपिक बचा है कि इरेशनल नंबर्स को प्रूफ करना, यानी कि प्रूविंग इरेशनलिटी ऑफ ए नंबर। तो जो हम मतलब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाने हैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो कि आपको लगता हो कि इससे पहले वाले पार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। मैं कोशिश करूंगा किसी अलग लेक्चर के अंदर आप लोगों के लिए उसे अच्छे से पूरा समझा के वापस से अपलोड कर दूं। इसके साथ ही अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।